हाँ ऐसा ही है। पिटीशन सिविल दावा हमने फाइल किया था, कल फाइल किया था, आज सुनवाई पे लगी थी, लेकिन हमने सीनियर जज सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में फाइल किया था। और अजमेर में अलग अलग डिवीज़न है, मैं दिल्ली से आऊँ तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो हमने कोर्ट में ये गुजारिश कर रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में दरखास्त लगाएंगे कि जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है वहाँ ये मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके बाद जब ट्रांसफ़र होगी तो हमें डेट मिलेगी सुनवाई की। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं ना कहीं जिस कोर्ट में आज ही गया था उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर था। एनीथिंग एल्स? ठीक सर। तो इसको मुंसिफ, शुरुआत मुंसिफ से होनी चाहिए थी ऐसा मान रहे हैं आप? नहीं, जैसे कि दिल्ली में होता है, हम वहाँ केस फाइल करते हैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, फिर सिविल जज साहब फिर जो उनके डिवीज़न में जितने जजेस हैं वहाँ केस ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह हमने ये दावा यहाँ फाइल किया था, लेकिन यहाँ ज्यूरिडिक्शन अलग का अलग पैमाना है, तो इसलिए हम डीजे की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में फाइल करेंगे।